हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली लिस्ट आ चुकी है बॉयज की, कॉमर्स की बची है। वो भी हो सकता है कि आज शाम तक या आज ही आ जाएगी। बहुत चांसेस हैं कि आज ही आ जाए। तो सबसे पहला जो सवाल है बच्चों का वो ये है, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान वो बच्चे हैं जिनका अभी भी नाम नहीं आया। तो उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि उनकी सेकेंड लिस्ट आएगी जब इन लोगों का जो काउंसलिंग है, जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद सेकंड लिस्ट आएगी। तो उसके लिए जो बच्चे होंगे वेटिंग वाले, अभी भी जिसकी वेटिंग क्लियर नहीं हुई है, तो उसको सेकंड राउंड के लिए काउंसलिंग फिर से करनी होगी। ये सोच कर ना बैठें कि हमने पहली बार कर दी थी काउंसलिंग तो अब नहीं करनी। तो याद रखिएगा, फिर से काउंसलिंग करनी पड़ेगी। तो वेटिंग वालों के लिए जो परेशानी है वो ये कि अब उनकी वेटिंग क्लियर होगी कि नहीं होगी। अभी जितनी भी वेटिंग क्लियर हो गई है, मान लीजिए अगर 100 हुई है, तो उसका ऑलमोस्ट 25% अभी और होती है जो लास्ट तक जाएगी, मतलब थर्ड राउंड तक। तो अगर किसी को पता लगाना है कि कितनी और हो सकती है, तो वो ये देखे कि अभी कितनी हुई है, उसकी 25%, तकरीबन 25% अभी और हो सकती है। ठीक है, चाहे वो कैटेगरी हो या कोई भी जनरल हो, सबके लिए। अब जो सवाल आता है दूसरा, कि अपग्रेडेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो अपग्रेडेशन के लिए हमारे पास आता है कि जब हम फॉर्म अपना पेमेंट करेंगे, ये चीज सब लोग याद रखिएगा, ये गलत कर दिया अगर आप लोगों ने तो बहुत परेशानी होगी। तो अगर आप लोगों के लिए जब पेमेंट आप लोग कर देते हैं, तो उसके बाद एक अपग्रेडेशन के लिए टिक होता है कि क्या आप चाहते हैं अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन में क्या चीज होगी, मान लीजिए कि किसी भी बच्चे को डिप्लोमा मिला है और उसको मैकेनिकल मिली है, लेकिन वो चाहता है कि मैं इलेक्ट्रिकल में जाऊं, तो उसको अपग्रेडेशन लगाना होगा। लेकिन अपग्रेडेशन सिर्फ उस केस में मिलेगा जिसमें उसने पहले से जो प्रेफरेंस दिया होगा वो उस ब्रांच को दिया होगा, वरना वो अपनी मर्जी से दे देंगे ब्रांच। ठीक है, अच्छा, अपग्रेडेशन के लिए हम स्कूल को भी चेंज कर सकते हैं। एक चीज सब लोग याद रखें, बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि हमारा सिटी स्कूल में नहीं हुआ या सिटी स्कूल में हुआ है, प्लस टू में नहीं हुआ। बेटा आप लोग याद रखिए एक चीज, कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग जिस स्कूल में पढ़ेंगे वो उनके लिए अच्छा है, कोई स्कूल खराब नहीं है, सारे स्कूल्स अच्छे हैं। तो जिसका जहाँ एडमिशन हो रहा है वो ये ना समझे, अपग्रेडेशन के लिए आप लोग एप्लीकेशन डालिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन आप लोगों को स्कूल में देनी होगी और उसको फिर साइन करवा के कंट्रोलर ऑफिस देना होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग को स्कूल मिल जाता है जो अपनी पसंद का नहीं है, तब भी परेशान मत होइए, उसमें पढ़ाई करिए और अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे तो नाम आएगा फिर। अब नेक्स्ट चीज आती है कि हॉस्टल को कैसे हासिल करेंगे हम लोग। तो हॉस्टल जो बॉयज के लिए रहता है, जो प्लस टू के बॉयज हैं 11th 12th के, तो उनके लिए अल्लामा रहता है। अच्छा, एक चीज जो हॉस्टल से रिलेटेड आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी वो ये है कि हॉस्टल में ज्यादातर यही होता है कि जो पहले एडमिशन ले लेगा उसको हॉस्टल प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, हॉस्टल थोड़ा सा दिक्कत होती है उन बच्चों का जिनका बाद में एडमिशन होगा, मिल जाएगा उनको भी, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि जो सीट्स होती हैं वो फिक्स हैं, उसी में करना होता है। तो हॉस्टल ज्यादातर बच्चों को मिल जाएगा, कुछ बच्चे जो बाद में आएंगे, सेल्फ फाइनेंस वालों को नहीं मिलता, ये बात याद रखिएगा, सेल्फ फाइनेंस वालों को हॉस्टल नहीं मिल पाएगा, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो। ठीक है, तो ये चीज का आप लोग ख्याल रखिएगा कि सेल्फ फाइनेंस वालों को नहीं मिलेगा। अच्छा, लास्ट चीज जो आती है वो है स्कूल चेंज। ठीक है, स्कूल चेंज करने के लिए आप लोगों को एप्लीकेशन, मैंने बता दिया, एप्लीकेशन लिखनी होगी। ठीक है, एप्लीकेशन पहले स्कूल से वेरीफाई होगी, उसके बाद फिर वो कंट्रोलर ऑफिस जाएगी, तो वो हो सकता है आप ही को करनी पड़े। तो वो सब चीजें बाद का प्रोसेस है अभी, लेकिन आप लोगों को पेमेंट करना है। जिसका पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, जिसका पेमेंट का ऑप्शन आ चुका, इसका मतलब उसका एडमिशन हो चुका। याद रखिएगा, पेमेंट के बाद एडमिशन कैंसिल होना थोड़ा मुश्किल है, मतलब बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि किसी का एडमिशन कैंसिल हो गया। अगर उसके डॉक्यूमेंट्स री वेरीफाई होते हैं बाद में ऑफलाइन में, वो ये सबमिट नहीं कर पाता, तब सिर्फ पेमेंट के बाद कैंसिल हो सकता है, वरना कैंसिल नहीं होता नॉर्मली। ठीक है, तो वेटिंग वालों को अभी वेट करना पड़ेगा, 2-3 दिन कम से कम वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कल यहाँ हॉलीडे है, तो कल कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होगा, जो लिस्ट बनी है सिर्फ वो अपलोड हो सकती है। ठीक
ठीक है। तो अभी आप लोगों के लिए इतना ही है। जो लोग बीए की तैयारी के लिए बीए के लिए पूछ रहे थे, तो उनका बेटा अभी 200 से प्लस तो वेटिंग क्लियर होने के चांसेस हैं, ठीक है। और बीकॉम के लिए ज्यादा वेटिंग क्लियर नहीं होती है, ये चीज आप लोग याद रखिए। वेटिंग से रिलेटेड चीज हो गई है हमारे पास। अपग्रेडेशन का बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि अपग्रेडेशन कैसे होगा, तो जो पेमेंट होगा उसके साथ टिक लगाना है, वहीं से आपको अपग्रेडेशन पता चलेगा। हॉस्टल का मैंने बता दिया, डिप्लोमा वाली गर्ल्स होती हैं उनको हॉस्टल मिलेगा, ठीक है, और जो प्लस टू में रहेंगी उनको भी हॉस्टल मिलेगा। थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी हॉस्टल मिलने में। हॉस्टल के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि हॉस्टल अलीगढ़ के कैसे हैं, और जो क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका आंसर जरूर देता हूँ। ओके बच्चों, थैंक यू।